एक मिनट में मंच पर आने वाले हैं। उस बीच में मैं आपके विधायक पद के प्रत्याशी मनोज भाई को बुलाना चाहूंगा, अपने विचार आपके बीच में रखें। भाई मनोज, धन्यवाद। भारत माता की। साथियों, आपसे आवाज इस माइक की अब मेरी ज्यादा लग रही है। अभी अरविंद भाई बिल्कुल आप लोगों के बीच में मुश्किल से 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं, तो एक बार फिर लगे भारत माता की। आज मेरा निवास भी यहीं पे है, मयूरार फेस थ्री में बिल्कुल नजदीक, लेकिन पूरी विधानसभा में यहाँ की आवाज आनी चाहिए, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मंच पे आसीन सभी मेरे पिता तुल्य साथी बैठे हैं, मैं सबको नमन करता हूँ। आप मेरा अभिवादन भी स्वीकार करें। क्या मेरी बहनें माताएं भी बैठी हैं, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। और साथियों से अनुरोध है, प्लीज व्यवस्था बनाए रखें, सब लोग बैठे रहे, एक दूसरे को ना बोले, आप खुद बैठ जाए, दूसरे अपने आप बैठ जाएंगे। साथियों, आप लोग अपने अपने खुद बैठ जाएं, बाकी आपके पड़ोसी खुद आपको देख के बैठ जाएंगे। प्लीज सभी साथी थोड़ी सी व्यवस्था बनाए रखें। अभी समय है, अरविंद भाई पहुंचने वाले हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे यहाँ तक स्टेज तक। तो पीछे मार्केट में आए हुए, मैं भी अपनी 2 बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा विधानसभा के बारे में, कि आप लोगों ने इतना बहुमत देके जिताया और जो आप लोगों ने मुझसे उम्मीद लगाई वहां तक मैं कहीं ना कहीं खरा उतरा हूं। जिस समय विधानसभा इलेक्शन हुए, गली गली हम लोग गए, मेरे साथ मेरे पुराने मेरे अपने साथी जो इस कोंडली विधानसभा की रीढ़ है, हड्डी है, जिन्होंने पूरी कोंडली विधानसभा, तो क्या त्रिलोकपुरी भी बनाई, पड़पड़गंज भी बनाई, ऐसे साथी आज मेरे साथ हैं। तो मन कर रहा है कि मैं सबको ऊपर बुला लूं, लेकिन जितने यहां बैठे हैं सारे के सारे मेरे क्रांतिकारी आंदोलनकारी साथी बैठे हुए हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है हमारी बड़ी बहन सपना जी का, जिन्होंने मुझ पर अटूट विश्वास किया। एक बार चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां सभी लोग बजाएं। ऐसी ही सपना जी की तरह एक कार्यकर्ता हमारी त्रिलोकपुरी से भी आई है, बड़ी बहन मनीषा पंत पांडे। वो लोग देखिए हमारे कार्यकर्ता कैसे हैं, सबको ऊपर बिठा करके कह रहे हैं कि मैं नीचे जाके बैठेंगे, अपनी व्यवस्थाएं बनाएंगे। ये वही सिद्धांत है आम आदमी पार्टी का, जो हर कार्यकर्ता के अंदर जज्बा भरा हुआ है, किसी को किसी चीज की लालच नहीं है। लेकिन मैं कई बार पूजाओं में जाता हूं, तो वहां पे भी मुझे सुनने को मिलता था, एक सत्संग में महात्मा जी ने कहा हमारे कि कुछ लोग आए और कुर्सियों पे बैठे, तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, जी ये कुर्सी पे बैठ गए, मैं नीचे बैठा हूं, ऐसा है वैसा है। तो महात्मा जी ने एक छोटी सी शब्दों में बात खत्म करी और बड़ी सुंदर, वो मैं कहना चाहूंगा कि जो कुर्सी पे बैठे हैं वो कौन, वो चौकीदार। जो कुर्सी पे बैठा है वो कौन, वो चौकीदार, और जो बैठा है जमीन पे वो सारा जमींदार। तो मेरे जमींदार तो मेरे साथ बैठे हुए हैं सारे, तो इनका बहुत बहुत आभार भी करता हूं कि इन्होंने मुझ पर इतना विश्वास करा। मेरे कई सारे साथी ऊपर है, मेरे नितिन भाई है, सुशील भाई बैठे हुए हैं इधर, इहना है, और हमारी माता जी बैठी हुई है, मनोरमा है, नंदना आंटी है, विमला आंटी जी बैठी है, मधु जी बैठी हुई है, मंजू जी है, और कल्याणपुर से बीमार होते हुए एक हमारी माताजी यहां तक आई कि उन्हें पता लगा अरविंद जी आ रहे हैं, तो बीमारी में भी यहां तक चल के आई, शुगर बढ़ा हुआ, हॉस्पिटल से दवाई चलती है। सिर्फ इसलिए क्यों इतना दूर से वो चल के आई बीमारी में, कि व्यवस्थाएं बदल सके, मैं उस शख्स को देख सके कि जिसके अंदर परमात्मा ने इतनी शक्ति इतनी ऊर्जा भर दी कि वो एक बार बेईमान को बेईमान कहने की हिम्मत रखता है, एक ऐसे शख्स को देखने के लिए।